मैं कांता पकवान कला में आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम टू पकवान कला। आज हम बनाएंगे सेवियों का हलवा, तो चलिए बनाते हैं सेवियों का हलवा। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। अब इसमें मैं एक टेबलस्पून देसी घी डालूंगी। घी डालने के बाद मैंने उसे हल्का सा गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं रफली चॉप काजू और बादाम डालूंगी। इन्हें मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट करूंगी। इन्हें मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। रोस्ट करने के बाद इन्हें मैं निकाल कर अलग रखूंगी। ड्राई फ्रूट्स मेरे रोस्ट हो चुके हैं और मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब इन्हें मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी। घी को मैं कढ़ाई में ही रहने दूंगी और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स को बाहर निकाल लूंगी। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुका है। अब मैं हलवे के लिए चाशनी बनाऊंगी। तो मैंने हलवा बनाने के लिए 2 कटोरी सेवियां ली है। उन्हीं कटोरियों के नाप से अब मैं ये चाशनी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने एक पतीले में 2 कटोरी पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। इसके साथ ही इसमें मैं 2 कटोरी दूध डाल दूंगी। 2 कटोरी सेवियां, 2 कटोरी पानी और 2 कटोरी दूध। अब इसे मैं बॉयल होने दूंगी और इसके साथ ही इसमें मैं 2 से 3 छोटी इलायची भी डाल दूंगी। जब तक मेरी चाशनी बन रही है, इतनी देर में मैं अपनी सेवियों को भी रोस्ट कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने जिस कढ़ाई में ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे उसी में मैं 2 टेबलस्पून घी और डाल दूंगी। और घी को हल्का सा गर्म होने के बाद मैं इसमें सेवियाँ डालूंगी। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं अपनी ये सेवियाँ डाल दूंगी और इन्हें मीडियम फ्लेम पर हल्का ब्राउन होने तक रोस्ट करूंगी और इन्हें मैं लगातार चलाती भी रहूंगी। गैस को हमें हाई फ्लेम पर नहीं करना है। अगर गैस हाई फ्लेम पर होगी तो हमारी सेवियाँ कहीं से जल जाएंगी और कहीं से कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए हमें पूरे पेशेंस के साथ इन्हें अच्छे से रोस्ट करना है चलाते हुए। सेवियाँ मेरी भुननी शुरू हो चुकी है और गैस को मैंने अब बिल्कुल लो कर दिया है। अब लो गैस पर भी मैं इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करूंगी। सेवियाँ भूनते वक्त हमें ये ध्यान रखना है, अगर हमारी सेवियाँ ब्राउन होनी शुरू हो जाएं तो उसके बाद हम गैस को धीरे कर दें ताकि हमारी सेवियाँ अच्छे से रोस्ट हों। दूध और पानी बॉयल हो चुका है। अब इसमें मैं कुछ धागे केसर के डालूंगी और थोड़ी सी इसमें मैं फ्रेश गुलाब की पत्तियाँ डालूंगी ताकि हमारी हलवे में हल्की हल्की गुलाब और केसर की खुशबू आए और इसका टेस्ट भी अच्छा हो। गुलाब की पत्तियां और केसर डालने से इस हलवे का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गुलाब की पत्तियां और केसर डालने के बाद अब इसमें मैं स्वाद अनुसार मीठा डालूंगी। ये मैंने 1/4 कटोरी चीनी ली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और हमारी चाशनी बनकर तैयार है। हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, सिर्फ चीनी को मेल्ट होने तक ही हमें इस चाशनी को पकाना है। अब मैं गैस को कर दूंगी बंद और अपनी सेवियों की तरफ हम चलते हैं। सेवियां भी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। इन्हें हमने गोल्डन ब्राउन किया है। ज़्यादा हमें सेवियों को रोस्ट नहीं करना है। अब हमारी सेवियां भी तैयार है। अब इसमें हम अपनी चाशनी डालेंगे। ये देखिए हमारी चाशनी का कलर भी कितना अच्छा आया है। केसर डालने से इसका हल्का हल्का पीला रंग आ गया है। अब इसमें धीरे धीरे करके हम अपनी ये चाशनी डालेंगे और साथ साथ इसे चलाते भी रहेंगे। अब हमने गैस को हाई फ्लेम पर कर दिया है और इसे चलाते हुए ही हम पकाएंगे। हलवा हमारा बनकर तैयार है। मैं इसे बनाते हुए बीच बीच में चलाती रही हूँ। इसे हमें ज़्यादा देर तक छोड़ना नहीं है और इसे बीच बीच में चलाते रहना है, क्योंकि हमने इसमें घी बहुत कम यूज किया है और सेवियाँ चिपकती हैं। लेकिन हमने सेवियों को अच्छे से रोस्ट कर लिया था, इसलिए हमारी सेवियाँ कढ़ाई से चिपकी भी नहीं है। अब इसमें मैं ये ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को मैं बंद कर दूँगी और अब अपने हलवे को मैं सर्व करूँगी। हमारा कम घी से बनाया हुआ सेवियों का हलवा बनकर तैयार है। इसे बनाने में हमने कम घी यूज किया है। जब कम घी में भी इतना स्वादिष्ट हलवा बन सकता है तो ज़्यादा घी क्यों यूज करना।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।